सारी नारियां डर गई। हाँ, गर्जन से नारियां डरती हैं, किसी की भी हो। देवता की नारी भी डरती है गर्जन से, निशाचरों की नारी भी डरती है, और सही बताऊं मैं आदमी की नारी भी गर्जन से डरती है। लेकिन इसका अर्थ समझ लेना, डरती जरूर है लेकिन कोई भी नारी अपने पति की गर्जन से नहीं डरती। हाँ, कभी कथा का अर्थ बिना समझे चले जाओ। डरती जरूर है लेकिन अपने पति के गर्जन से कोई नहीं डरती। किसी ने प्रश्न खड़ा कर दिया, क्यों जी? हनुमान जी ने जोर से जयघोष किया। हाँ, लंका में गए, चुपचाप गए, छोटे से बन के गए, अब बाहर निकले लंका जला के तो बड़े बन के निकले, जोर से जयघोष कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है अभिमान हो गया हनुमान जी को। नहीं भाई नहीं, अभिमान नहीं हुआ। अरे जोर से जयघोष कर रहे हैं, आप बताओ जोर से जयघोष क्यों कर रहे हैं? अभिमान नहीं है तो बताऊं? वैसे तो बहुत कारण है जोर से जयघोष करने के, मैं एक कारण बताता हूं, ध्यान से सुनना। हनुमान जी राक्षसों का स्वभाव जानते हैं। अगर जोर से जयघोष करके ना चलते, अगर जोर से जयघोष करके ना चलते तो आधे से ज्यादा राक्षस यही कहते घूमते, पता ना लगी कम में निकल गया, नहीं तो मैं ही पकड़ लेता। आधे से ज्यादा राक्षस यही कहते। इसलिए हनुमान जी ने जोर से जयघोष किया, भी किसी में हिम्मत है तो आ जाओ। और एक छलांग में समुद्र के पार, जहां सारा वानर दल प्रतीक्षा कर रहा है, किलकारी मारते हनुमान जी आए। सब समझ गए काम हो गया, प्राण बच गए। एक वानर जब भी किलकारी मारता है, जब प्रसन्न होता है। सुग्रीव जी ने कहा था बिना सुधी लिए आए तो प्राण दंड दूंगा। सबने घेर लिया हनुमान जी को। कोई चरणों में गिरा, कोई पूंछ चूमने लगा, कोई कंधे पर, कोई बाजुओं पर। ताली बजा बजा कर सीता जी की सुध को लेकर हनुमान जी आए हैं। सीता जी की सुध को लेकर हनुमान जी आए हैं। पग में घुंघरू बांध बालाजी चमचम नाच दिखाए हैं। पग में घुंघरू बांध बालाजी चमचम नाच दिखाए हैं। अभिमानी रावण की लंका को जला कर आए हैं। उस अभिमानी रावण की लंका को जला कर आए हैं। पग में घुंघरू बांध बालाजी चमचम नाच दिखाए हैं। पग में घुंघरू बांध बालाजी चमचम नाच दिखाए हैं। चमचम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग मेरा बलिदान। चमचम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग मैं राम का दीवाना। जोर जोर से जयकारे करते हुए सारा वानर समाज हनुमान जी को लेकर गया। जयकारे तो आपने भी बोले लेकिन बड़े धीरे धीरे बोले। अच्छा कारण बताऊं, वहां जो वानर समाज जयकारे बोल रहा था ना, उसने मधुबन के फल खाए भरपेट। और आपके लिए भी प्रसाद की व्यवस्था है, अभी आपने करना है, इसलिए आपकी आवाज नहीं निकल रही है, ठीक है। हनुमान जी महाराज की। हाँ निकली निकली। सब हनुमान जी को लेकर सुग्रीव जी के पास आए। सुग्रीव जी सब को लेकर भगवान के पास गए। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। भगवान ने उठाया। पहला प्रश्न सुंदरकांड में भगवान ने हनुमान जी से किया। कहूं तात के ही भांति जाने की। हनुमान जानकी जी कैसी हैं? अगर इतना ही पूछते तो मेरे मन को भी लगता कि भगवान कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। लेकिन भगवान ने अगली पंक्ति कह दी, रहत करत रक्षा स्व प्राण की। अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं? मुझे लगता है भगवान का बहुत बड़ा व्यंग है। भगवान व्यंग कर रहे हैं। ये प्राण हमारे बिना नहीं रहते थे, हमारे बिना इन प्राणों की रक्षा कैसे हो गई। अयोध्या से चले माँ कौशल्या को बताने गए। जानकी जी भी घूंघट निकालकर दरवाजे की ओट में खड़ी होकर सुनने लगी। जब पता लगा कि ठाकुर बन जा रहे हैं तो कहती थी मन में, की तन प्राण की केवल प्राणा। ये तन और प्राण दोनों जाएंगे ठाकुर के साथ, या ठाकुर तन को छोड़ जाएंगे, केवल प्राण ठाकुर के साथ जाएंगे। तन में रहें या तन छोड़ दें, लेकिन ये प्राण हमें नहीं छोड़ते थे, ये प्राण हमारे बिना नहीं रहते थे। आज भगवान ने व्यंग किया, जो प्राण हमारे बिना नहीं रहते थे आज उन प्राणों की रक्षा हमारे बिना कैसे हो गई। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज समझ गए, हाथ जोड़ लिए। प्रभु जहां आप नहीं होते वहां पर भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। कौन सी शक्ति? कौन सी शक्ति ने प्राण बचाए हनुमान? बताता हूं प्रभु। नाम, नाम की शक्ति। मेरी माँ ने नाम का आश्रय ले लिया, नाम रट रट के, नाम जप जप के मेरी माँ ने अपने प्राण बचा लिए। नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंतरित जाहि प्राण के ही बात। प्रभु मेरी माँ तो केवल कहने के लिए जीवित है, जीवन का कोई लक्षण शेष नहीं है। हनुमान जी कहते हैं जीवित है कहिबे को नाथ, अच्छा तो क्यों न मरी हमसे भी छुराही। अगर कहने के लिए जीवित हैं हनुमान तो क्यों न मरी हमसे भी छुराही। हनुमान जी ने कहा प्राण बसे पद पंकज में प्रभु, जम आवत है पर पावत नाही। उनके प्राण तो आपके चरण कमलों में बसे हैं। यम तो रोज आता है, वहां प्राण है ही नहीं, मिलते नहीं, इसलिए खाली हाथ लौट जाता है। भगवान को चूड़ामणि दी, भगवान ने अपने हृदय से लगा ली। भगवान ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की। यूं तो भगवान ने हनुमान जी की प्रशंसा हर जगह की है, हर जगह, लेकिन इस जगह सुंदरकांड में, इस जगह भगवान ने इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की, ऐसा लगता है जैसे ठाकुर हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। मैं खुश हूँ बहुत हनुमान तेरा गुण गावे, मैं खुश हूँ बहुत हनुमान तेरा गुण गा गा के, 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 मैं खुश हूँ बहुत हनुमान तेरा गुण गा गा के, मैं खुश हूँ बहुत हनुमान तेरा गुण गा गा के। नैनों में राम के जल भर आया, नैनों में राम के जल भर आया, हनुमत को जब गले लगाया, हनुमत को जब गले लगाया, सुनी सीता दुख प्रभु सुख भयना, भरी आए जल राज बनयना। सुन कपितो ही समान उपकार, हनुमान तेरे समान उपकार करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। नहीं को सुर, कोई देवता, देवता इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। अरे देवता की तो हिम्मत नहीं है लंका की तरफ को दृष्टि से देख भी सके। हनुमान तूने तो उस लंका को जला दिया है। कोई देवता नर मुनि तनधारी कर नहीं सकता हनुमान जितना बड़ा काम तूने किया है। मेरे ठाकुर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कोई देवता नहीं कर सकता। और जब भगवान ने कह दिया तो मेरे गोस्वामी जी ने भी छाती ठोक के कहा और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान इतना बड़ा काम कोई कर नहीं सकता। प्रति माने बदला। आज बदला उतारने की बात ठाकुर के मन में आई है। आज बदला उतारने की बात ठाकुर कर रहे हैं, तेरा बदला उतारूंगा। बदला किस चीज का? प्रति उपकार। आज तेरे उपकार का बदला उतार दूंगा। सर्वसमर्थ हैं भगवान, सब कुछ कर सकते हैं भगवान। और आज मन भी है भगवान का। करूं का तोरा, बोल क्या करूं तेरे लिए। कह तो दिया भगवान ने, मन है कह दिया, लेकिन कहने के बाद नीचे को देखने लगे। सन्मुख होई ना सकत मन मोरा, हनुमान आज तेरे सामने ठहर नहीं पाऊंगा, आज मेरी दृष्टि तुझसे नहीं मिल पा रही है। हनुमान एहसान ज्यादा हो तो नजर झुक जाती है। आज मेरे ठाकुर की नजर झुक गई हनुमान जी के सामने, आज स्वामी की नजर झुक गई एक सेवक के सामने। हनुमान, इतनी बड़ी चीज मेरे पास नहीं है, उपकार का बदला होता ही नहीं, भगवान ने बनाया नहीं। उदाहरण से समझाऊं, कोई मुसीबत में फंस जाए, कोई 10 लाख रुपए देकर इसे मुसीबत से निकाल दे, वो जीवन में 10 लाख की जगह 10 करोड़ भी लौटा सकता है, पर उपकार नहीं उतार सकता, उपकार का बदला नहीं होता। इसलिए भगवान ने दोनों हाथ उठा दिए। सुन सुत तो ही देखो कर विचार मन माहे, तेरे ऋण से उस ऋण नहीं हो सकता। तेरा इतना कर्ज हो गया बेटा, 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 सुन सुत। इस पंक्ति में भगवान ने हनुमान जी को अपना बेटा बना लिया। आप सोचते होंगे इस पंक्ति में बनाया अब? हाँ, अभी। क्यों? पहले क्यों नहीं बनाया? हनुमान जी तो बहुत पहले मिल गए भगवान को, बहुत पहले मिल गए, पहले बेटा क्यों नहीं बनाया? आज क्यों बेटा बनाया? बताऊं, पहले भगवान को पता ही नहीं लगा, आज ही पता लगा है। अरे भगवान को भी पता ना लगे? हाँ, कैसे लगता? अभी अशोक वाटिका में माँ ने बनाया ना। हाँ, पहले माँ को ही पता लगता है, बाद में ही पिता को पता लगता है। आज मेरे ठाकुर को भी पता लग गया, हनुमान तू मेरा पुत्र। सोने का पी बचन बिलो की मुख। हनुमान जी ने भगवान की बात सुनी और भगवान के मुंह की ओर देखा। क्या कह रहे हैं ठाकुर? कैसी बात कर रहे हैं? आज हो क्या गया है ठाकुर को? चरण परेउ प्रेमाकुल। तुरंत हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने आगे बढ़कर उठाया, जैसे ही हाथ हटे हनुमान जी फिर गिर पड़े। भगवान ने फिर उठाया, फिर गिर पड़े। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, बार बार प्रभु जय ही उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। तुझे बार बार उठाता हूं, तू बार बार गिर पड़ता है, बात क्या है? बात क्या है हनुमान? प्रभु आप प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा सुनने वाले को गिरना पड़ता है। प्रशंसा से अभिमान हो जाता है और अभिमान गिरा कर ही छोड़ता है। प्रभु जगत में मेरी कोई प्रशंसा करे, मुझे आपका भरोसा है, आप मुझे गिरने से बचाओगे। लेकिन अगर आप खुद मेरी प्रशंसा करने बैठ गए तो फिर गिरने से कौन बचा सकता है? और जब मुझे पता चल गया श्री मुख से प्रशंसा सुनी है, अभिमान हो जाएगा, गिरना पड़ेगा। अरे जब मैं जान गया कि गिरना पड़ेगा, अरे जब गिरना ही है तो प्रभु आप बताओ, गिरने के लिए आपके चरणों से श्रेष्ठ स्थान इस जगत में मुझे और कहाँ? अगर गिरना ही है तो क्यों ना बार 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 हर बार आपके चरणों में ही गिरता रहा। हंसने लगे भगवान। लंका जलाई, लंका जलाई। डर गए हनुमान जी, डर गए। क्यों? एक तो बिना पूछे ये काम करा हनुमान जी ने, दूसरा डर इसलिए गए, हमारे शास्त्र कहते हैं किसी के घर में आग लगाना, गांव में आग लगाना, नगर में आग लगाना आतताई का काम है, अच्छा काम नहीं है। इसलिए डर गए हनुमान जी, हाथ जोड़ लिए। प्रभु पहले मेरी बात सुन लेना, पहले मेरा पक्ष सुन लेना, उसके बाद जो भी दंड देना चाहो मुझे दे देना। रखो अपना पक्ष, रखो अपना पक्ष, रखो। हाँ रखो। प्रभु मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए आपसे, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए आपसे। भगवान ने कहा पूछो, क्या पूछना है? हनुमान जी ने कहा बस एक बात बता दीजिए प्रभु, इस शरीर से प्राण निकल जाए तो फिर इस शरीर का क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा क्या करना है भाई? जब शरीर से प्राण निकल जाए फिर क्या करना? फिर शरीर कहाँ? फिर तो सब है और सबको अग्नि के सुपुर्द करना चाहिए। हंसने लगे हनुमान जी। ठीक है, पॉइंट में भी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं लंका जलाने की बात। प्रभु मैं लंका में गया, जैसे ही मैंने लंका को देखा मुझे भोलेनाथ की याद आई, भोलेनाथ की वो चौपाई याद आई जो रामचरितमानस में शुरू में लिखी। भोलेनाथ ने लिखा, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान तिहि प्राणी, जीवित शव समान तिहि प्राणी। भोलेनाथ कहते हैं जिनको आपकी भक्ति नहीं मिलती वो जीवित होते हुए भी शव के समान हैं। और लंका में मुझे आपकी भक्ति नहीं दिखाई दी, इसलिए सारी लंका मुझे शव के समान लगी। और सबके साथ क्या करना चाहिए ये पहले ही मैंने आपसे पूछ लिया, आपने खुद कहा सबको अग्नि के सुपुर्द करना चाहिए, इसलिए मैंने सारी लंका को जो सब के समान थी अग्नि के सुपुर्द कर दी। हाँ, विभीषण मुझे जीवित दिखाई दिया, उसके घर के बाहर मुझे भक्ति दिखाई दी। मैं सच कहता हूं प्रभु, अग्नि का प्रयोग मैंने वहां नहीं किया। के ही विधि दयऊ, एक एक शब्द में रस है, कैसे पूछ रहे ठाकुर। कही विधि दयऊ, जैसे कोई छोटा बालक बड़ा काम करके आए, या बड़ा काम छोड़ दो, छोटा बालक पहली बार नानी मामा के घर से आए, दादा दादी कैसे पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, कौकली थी नानी, कौकली थी, जी बीच में लगा देंगे, कौकेली थी। आज मेरे ठाकुर को भी इतना प्रेम आ रहा है हनुमान जी पे। ये प्रसंग भोलेनाथ सुना रहे हैं, रामचरितमानस भोलेनाथ सुना रहे पार्वती जी को, और इस प्रसंग को सुनाते सुनाते आनंद बरसाते बरसाते भोलेनाथ भी परमानंद में जाने लगे। ऐसा दृश्य है ये, क्या हालत होगी भोलेनाथ की। और एक बार पहले दर्शन करें भोलेनाथ के, इस प्रसंग को सुना रहे, देखो क्या हालत हुई है। लहर लहर गंगा बह रही, ऊंचा पर्वत लंबा रास्ता, लहर लहर गंगा बह रही, ऊंचा पर्वत लंबा रास्ता, लहर लहर गंगा बह रही, ऊंचा पर्वत लंबा रास्ता, लहर लहर गंगा बह रही, बम 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 लहरे, शीश पे गंगा गले भुजंगा कटी पे सोहे मगचाला, शीश पे गंगा गले भुजंगा कटी पे सोहे मगचाला, शीश पे गंगा गले भुजंगा कटी पे सोहे मगचाला, शीश पे गंगा गले भुजंगा कटी पे सोहे मगचाला, शीश पे गंगा गले भुजंगा कटी पे सोहे मगचाला, शीश पे गंगा गले भुजंगा कटी पे सोहे मगचाला, राम नाम की धुन में देखो नाच रहा डमरू वाला, राम नाम के धुन में देखो नाच रहा डमरू वाला, लहरे मंगल भवन मंगल हारी, बम 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 लहरे, दशरथ वज्र बिहारी, बम 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 लहरे, सावधान मन कर कुंज शंकर, बम 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 लहरी, लागे कहने कथावती सुंदर, बम 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 लहरे, कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा, बम 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 लहरे, कर गई पर मन कट बैठावा, बम 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 लहरे, बम 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 लहरे, बम 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 लहरे। एक छोटा सा प्रश्न और आपके सामने रखता हूं, समय की मर्यादा है, 2 मिनट का एक प्रश्न और आपके सामने। भगवान ने पूछा, केहि विधि दयऊ दुर्गवती बंका, इतना विकट दुर्ग लंका का, लाला तूने कैसे जला दिया। हनुमान जी ने कहा मैं बताऊं, हाँ खड़े जाओ तुम बताओ, ठीक है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। जिन्होंने सुंदरकांड पढ़ रखा है बड़े ध्यान से सुनना हनुमान जी ने क्या बताया। हनुमान जी ने कहा मैं बताता हूं। नागी सिंधु मैंने समुद्र लांघा, हाटकपुर जारा और लंका जलाई, निशिचर गण बधी मैंने राक्षस मारे, विपिन उजारा और अशोक वाटिका उजाड़ दी। भगवान हंसने लगे, हनुमान तेरा ध्यान कहाँ है, तू क्या बता रहा है? प्रभु आप ही ने तो पूछा के ही विधि दहेऊ दुर्गति बंका, मैं बता रहा हूँ। नागिस हिंदू हाटकपुर जारा, निशिचर गण बधी विपिन उजारा। भगवान ने कहा गलत, तू गलत बता रहा है। नागिस हिंदू तेने समुद्र लांगा, उसके बाद क्या कह रहा है? हाटकपुर जारा। समुद्र लांघने के बाद तेने सीधे जाके लंका में आग लगा दी, ऐसा बता रहा है मुझे? गलत। उसके बाद क्या कह रहा है? निशिचर गण बधी तेने राक्षस मारे, लंका जलाने के बाद बता रहा है राक्षस मारे, बिल्कुल गलत। सबसे बाद में क्या कह रहा है? विपिन उजारा। अशोक वाटिका सबसे बाद में बता रहा तेने उजाड़ी, बिल्कुल गलत। हनुमान तूने समुद्र लांघा, उसके बाद तूने अशोक वाटिका उजाड़ी जो सबसे बाद में बताया, उसके बाद तूने राक्षस मारे, उसके बाद तूने लंका जलाई। सारा क्रम गलत, सारा क्रम गलत कर दिया हनुमान। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु सब आपने किया है, मैं तो जानता था, लेकिन आज तो जितने भी भक्त राजेश गुप्ता जी के यहाँ आए हैं सबको सर्टिफिकेट ही मिल गया, आपने किया है।